मैं डॉक्टर दशरथ प्रसाद कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाई, अभी खरीफ का सीजन चल रहा है और फसल हमारी खड़ी हुई है, खेतों में खड़ी हुई है, और अभी हमने किसान भाइयों ने मूंग लगाया है, मोठ लगाया है, नरमा है, गन्ना है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की फसलें लगाई हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक हमको किसानों की आय और एवं पैदावार को दोगुना करने का है, तो इसी के आधार पर हम सब चल रहे हैं और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा भागीदारी ये ही रहेगी कि आप जो नई नई तकनीकें हैं और जो केंद्र की सिफारिशें हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हैं जो कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा अलग अलग विभाग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले लेवल पर अलग अलग दिया जा रहा है, उन सबको ध्यान में देखते हुए और पैकेज को पढ़ते हुए हमको आगे जो कीट हैं, व्याधि हैं, उनको प्रबंधन करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। और अभी ये कॉटन है जो अपने ये गंगानगर जिले में और बीकानेर संभाग के आसपास में कॉटन है, सबसे बड़ा क्षेत्र है और परंपरागत रूप से नरमा यहाँ का ये मुख्य फसल है। RG8 है जो कृषि अनुसंधान केंद्र से पहली जो कॉटन की जो वैरायटी निकाली गई वो भी पूरे देश में चल रही है और उसका धीरे धीरे अब किसानों का झुकाव है जो BT कॉटन की तरफ चला रहा है। वो कारण ये रहा कि अभी जो बॉल बॉम्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और दिक्कत देते हैं, कॉटन में जो बॉल बॉम्स हैं वो परेशान करते हैं और उनके लिए किसानों के पास कोई समाधान था नहीं। और हम अधिक से अधिक पेस्टिसाइड का यूज करते करते हम इतना परेशान हो गए कि जो उसमें जो पैदावार है, पैदावार का तिगुना चौगुना जो फसल को बचाने के लिए हमको लगता था, उसे हटाने के लिए जो BT कॉटन है जिसमें है BT जीन्स है वो इंसर्ट करने के बाद किसानों के लिए लाया गया। इसमें वो जो 3 बॉल बॉम्स हैं वो नहीं लगते हैं और अभी कंडीशन ये आ रही है जो माइनर पेस्ट से बोलते हैं सफेद मक्खी है वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है, दिक्कत करती है। वो पहले शुरुआत में माइनर पेस्ट हुआ करती थी, अब मेजर हो गई, तो इसके लिए रोकथाम के लिए हमको पैकेज को पढ़ना चाहिए। और हम जहाँ तक है जो इंसेक्टिसाइड है, पहले नीम का, देन इसके बाद करंज का, और अपने जो एग्रोकेमिकल्स हैं पेस्टिसाइड है उनका अल्टरनेट यूज करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही केमिकल को बार बार यूज करते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोधकता है वो आ जाती है, जिसके कारण जो हमारी दवाई है वो इफेक्टिव नहीं रह जाती, तो उसको हमको अल्टरनेट बदल बदल के करना चाहिए। इसी में हमारे जो फसल है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और जो कीट पेस्ट हैं उनका जो आतंक है वो कम हो जाता है। और अभी आगे हमको किसानी जो छोड़ चुके हैं, जो किसान भाई हैं जो किसान छोड़ना चाहते हैं, और युवाओं को ज़रूरी है, जब हम आज़ादी के समय लगभग 70% महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसान जो भारत के जो किसान हैं, जो अधिक जनसंख्या है सबसे ज़्यादा गांव में निवास करती है 70%, वो अधिकतम खेती बाड़ी करने वाली है और खेती करते हैं, जिससे हमारे जो पूरे देश का जो पेट भरता है और हमारे जो भोजन आता है, हम शाम को सुबह देखते हैं तो भोजन आता है, तो वो किसानों की मदद से आता है। और लोग अब युवाओं का जो रुझान है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए प्रयास रहेगा हम लोगों का, सरकार का, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अनेक जो बंधु लगे हुए हैं उन सबका ये प्रयास होना चाहिए किस प्रकार युवाओं को आगे लाया जाए और जो कृषि है उसको फायदेमंद चीज़ के रूप में साबित करना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा है वो हमारे देश में बेरोजगार नहीं रहे और किसानों की तरफ रुझान हो और किसानों के साथ में जुड़े। उसके लिए हमको सबसे पहले यदि मैं बात करूँ विद्यार्थी को, यदि कृषि ले तो ले क्यों और उससे क्या फ़ायदा है और आगे क्या इसको हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप 12वीं करने के बाद में यदि हमारे राजस्थान में कृषि की जो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है वो उत्तीर्ण करने के बाद में जेट का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, तो पूरे जो राजस्थान में जितने 5 यूनिवर्सिटी है उन सब में एडमिशन के लिए यह जो टेस्ट है वो कंपलसरी है। और यदि आपको यदि कृषि में भागीदारी और BSc करनी है तो उसके लिए आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, और उसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सब में सब में एडमिशन जेट के द्वारा ही होते हैं, तो ये सबसे कंपलसरी चीज़ ये है। आपको जेट का एग्ज़ाम है लगभग माह फरवरी में निकलता है और उसका मई में उसका एग्ज़ाम होता है, और जून जुलाई में काउंसलिंग होने के बाद में जुलाई अगस्त से इसके कॉलेज शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको 11वीं 12वीं में जो बायोलॉजी है, कृषि है, फिजिक्स है और रसायन विज्ञान है, इन सब की पढ़ाई है वो करनी चाहिए और एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के बाद में हम BSc एग्रीकल्चर के लिए कोई बढ़िया जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लेते हैं, और इसकी पढ़ाई करने के बाद हमारी ये दिक्कत रहती है, अब हमने BSc कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, स्नातक कर ली, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यदि आपकी स्नातक हो जाती है तो सबसे पहले आप एलिजिबल होते हैं, योग्यता रखते हैं कि आप IAS
भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। और इसके अलावा है भारतीय वन सेवा है IFS, उसमें भी अपन जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यदि कृषि में हम बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक के लिए भी इसमें है योग्यता है, BSc कर सकते हैं, और सहायक कृषि अधिकारी है उसमें भी अपन जा सकते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने निकाला है यदि हम बैंक में जाना चाहते हैं तो कृषि अधिकारी की पोस्ट पर और या फिर PO की पोस्ट पर आप यदि BSc एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें आप बैंक में प्रवेश कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। यदि आपने BSc कर ली हो, BSc के बाद MSc में एडमिशन देना चाहते हैं तो PPG का टेस्ट होता है जिसको अपनी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है उनमें से एक करवाएगी, और अपन PG का फॉर्म अप्लाई करने के बाद में वहाँ एग्जाम होगा, उसके आधार पर रैंक आएगी, काउंसलिंग होगा, देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और आप अपनी MSc कर सकते हैं। ये तो अपना रहा राज्य स्तर पर, राजस्थान राज्य स्तर पर रहा। यदि आप राजस्थान से बाहर जाना चाहते हैं और अच्छी कृषि की नॉलेज और अच्छी तकनीकी की जानकारी लेना चाहते हैं तो ICAR रिसर्च ICR जो दिल्ली में उपलब्ध है वो एक एग्ज़ाम करवाती है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में छात्रों को अच्छा टॉप करने पर उनको फेलोशिप दी जाती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी सुधर जाती है और अपने जो डिग्री करने में आसानी रहती है, उन्होंने उनको अलग घर से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं रहती जिससे वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी अपने इस JRF एग्ज़ाम के थ्रू वो अपनी MSc कर सकते हैं। MSc करने के साथ में अपन को यदि हम किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जाते हैं तो उसके लिए नेट जरूर रहता है, तो नेट के लिए है ASRB कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल जो कि दिल्ली में है वो इसका एग्ज़ाम करवाता है। एग्ज़ाम करवाने के साथ में वो नेट की जो पास होते हैं उनके लिए डिग्री देता है और जिससे पूरे भारतवर्ष में आप एलिजिबल हो जाते हो कि अध्यापक बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन इसके बाद में आप MSc कर लेते हो, नेट हो जाता है तो आप किसी भी अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद अपन कृषि वैज्ञानिक कैसे बनना है, कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए ESRB द्वारा कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती निकलती है और वो भर्ती हर साल होती है और उसमें अलग 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 विषय में जो वैकेंसी होती है खाली रिक्त पद होते हैं भारत सरकार द्वारा वो उसमें भरी जाती हैं और निकलने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं और उसका 3 चरणों में उसका एग्ज़ाम होता है। पहले फ्री होता है जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव कार्ड क्वेश्चन आते हैं उनको फिलअप करने के बाद में, देन इस बार हम मेंस एग्ज़ाम आता है, मेंस में जो पास होते हैं फाइनली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में वो सेलेक्ट चयनित छात्र होते हैं उनको जो भारत में विभिन्न जो ICR के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर उनको पोस्टिंग दी जाती है। इस प्रकार कृषि वैज्ञानिक वन बन सकते हैं। किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, किसानों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आराम से उनके खेत में चलकर साथ काम करना पड़ेगा, जहाँ उनकी दिक्कतें आती हैं वहीं हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब जो जो तकनीक है जो लैब से हटाकर वो सीधे उनके खेतों पर जानी चाहिए तब उनकी जो परंपरागत जो उपज है उनकी जो पैदावार है उनकी आमदनी है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। उसके लिए कैसे वैज्ञानिक ने एक एक मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गाँव खोल लिया हुआ है उसमें हम लोग जाते हैं और प्रयास करते हैं हम अधिक से अधिक तकनीकी ज्ञान हो और जो बैंक से अपन फाइनेंस करवा सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवा सकते हैं और अपने पास यदि 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे दलहन की फसल लगा सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं और आजकल तो गवर्नमेंट सोलर जो पैनल आते हैं उन पर सब्सिडी दी गई है जिससे अपन जो तो पानी है तालाब है डिग्गी है उसको भरकर अपन जो जब चाह फसलों की पानी देने की तो अपन उसे डिग्गी के माध्यम से ड्रिप लगी हुई स्प्रिंकलर लगी हुई वो अपन पानी सप्लाई कर सकते हैं और जैसे अपनी पैदावार में उन्नति एवं वृद्धि हो जाती है और हम जो अधिक से अधिक जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और मोबाइल नंबर दिया हुआ है 1551 टोल फ्री नंबर है और इस पर कॉल करके संपर्क कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सीधा जोड़ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में फसल की किसी भी अवस्था में आपको जरूरत पड़ती है किसानों की तो हम सीधे रूबरू हो सकते हैं। आजकल तो कृषि अनुसंधान केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसानों की जो समस्या है उसको सीधा हल किया जा रहा है। हर व्यक्ति के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है वो जुड़ा हुआ है और कृषि अनुसंधान केंद्र ने अभी 3 ऐप निकाले हैं जो मोबाइल ऐप निकाले हैं जिनमें कॉटन गंगानगर नाम से है, एक गंगानगर नाम से है और अभी स्थापना दिवस है 1 अगस्त को बीकानेर में अपने एक विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का, तो उसमें हम आज
जो मस्टर्ड गंगानगर नाम से है एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे आप अपने मोबाइल में आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए और आप उसमें सारी पैकेज पैकेज दे सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, जब आपको डिफिकल्टी आए तो हमको उसमें नंबर दिए हुए हैं हमारे, आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि इसी के साथ में यदि मैं सारांश में कहूँ तो यदि आप कहीं भी जिला स्तर पर, जिले स्तर पर या तहसील स्तर पर रह रहे हो तो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र हर जगह तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर मौजूद है। वहाँ जाकर आप कृषि विज्ञानों से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं पहुँच सकते तो आप मोबाइल ऐप जो मैंने बताया उससे आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1551 जो कृषि विभाग द्वारा संचालित होता है, उसे जुड़ सकते हैं। फिर भी ये नहीं होते तो आप सुबह या शाम कृषि दर्शन जो दूरदर्शन द्वारा ले कार्यक्रम किए जाते हैं उनका आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं और जिससे अपन कृषि आय में अपन वृद्धि कर सकते हैं। नमस्कार। मुझे